गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ बीमार चूजे जो मैंने बाहर निकाले हुए। मैं इस पर क्या मेडिसिन दे रहा हूँ, इनके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बीमार कुछ इस तरीके से सारे चूजे थे, आज आप देख सकते हो कि काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो की पूरी वीडियो में जो पूरी जानकारी मैं देने दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस चीज़ के लिए आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि मेरी नई वीडियो जो भी आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मेरे वाले उस वाले जहाँ से मैंने ये चूज़ों को निकाला हुआ है, पहले मैं आपको वहाँ का मैनेजमेंट दिखा देता हूँ वहाँ पे आपको क्या करना है। दोस्तों आप देख सकते हो कि वो जो चूज़े हैं मैंने यहाँ से बाहर निकाले हुए हैं, इस वाले मेरे शेड से मैंने वो वाले चूज़े सब बाहर निकाल के रख दिए। आप देख सकते हो ये वाले चूज़ों का साइज़ जो कि लगभग 1 केजी के करीब हो चुका है। मैंने कल ही वेट किया था इनका तो 900 ग्राम के एवरेज, मतलब 900 ग्राम तक आ रहा था, मतलब कुछ छोटे कुछ बड़े लेके मैंने एक साथ 10 चूजे लेके मैंने इनका वेट किया तो एवरेज मुझे 900 ग्राम तक आया था दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ वो जो चूज़े हैं काफ़ी छोटे हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, जो छोटे चूज़े इसमें रह जाते हैं कुछ अभी मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी भी है उनमें जल्दी बीमारी आ जाती है दोस्तों। और वो बीमार होने के बाद दूसरे को भी बीमारी देने से पहले ही हम लोग को देखते रहना है, मॉनिटाइज करते रहना है कि कोई बीमार चूज़ा है उसको जल्दी ही बाहर निकाल दिया जाए ताकि वो दूसरे को बीमारी ना दे। और दोस्तों जैसे ही आपको पता चलेगा, ये देखो दोस्तों ये वाला चूज़ा देखो कितना छोटा है, और इसमें एक दो चूज़े ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे रह चुके हैं, जो हैचरी से या जो भी आपका सप्लायर है वो जब आपको चिक सप्लाई करता है। ये देखो और एक चूज़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो काफ़ी छोटा है, ये देखो दोस्तों ये वाला चूज़ा देखो काफ़ी छोटा है, वो भी इनके साथ में ही आया हुआ है दोस्तों। जब उसे खाना नहीं मिलेगा, जब बड़े हो जाएंगे तो उसे खाना नहीं मिलेगा और ऑटोमेटिकली वो बीमार होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा तो उसमें बीमारी आएगी, और उसमें बीमारी आएगी तो बीमारी दूसरे को देता रहेगा दोस्तों। और एक चूज़ा मुझे आज निकालना पड़ेगा, ये वाला मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला चूज़ा आप देख सकते हो थोड़ा सा वीक है, ऐसे तो दिखने में तंदुरुस्त लग रहा है आपको, देखो भाग रहा है वो, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी बीमारी है तो उसे भी मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि CRD की शुरुआती स्टेज है दोस्तों। आज हम अगर इन्हें नहीं निकालेंगे तो वो आगे जाके हमें बहुत बड़ा हेडेक बनेंगे। और दोस्तों मैं आपको दवाई के बारे में बता देता हूँ, आज जो भी दवाई मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, आप देख सकते हो मैंने सारे ड्रिंकर खाली करके रख दिए, ड्रिंकर में पानी नहीं है, पूरी तरह से खाली करके साफ़ करके मैंने ड्रिंकर रख दिए। अभी मैं इन्हें फीड दे दूँगा, इन्हें फीड देने के बाद ऑटोमेटिकली इन्हें प्यास लगेगी दोस्तों, और जब प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे लगभग 1000 बर्ड्स है जिसमें से कुछ मॉर्टेलिटीज़ हो चुकी है, मतलब 950 तक बर्ड्स अभी भी है, तो इन्हें मैं क्या करूँगा लैक्सिन पाउडर का पानी बनाऊँगा दोस्तों। लैक्सिन पाउडर मैं 20 ग्राम वाला जो पैकेट आता है वो वाला यूज़ करूँगा, और उसे मैं किस तरीके से दूँगा, मैं पहले तो आधा बकेट पानी बनाऊंगा, आधा बकेट में आधा लैक्सिन पाउडर दे दूंगा दोस्तों, और लैक्सिन पाउडर को पूरी तरह से घोलने के बाद मैं इनके ड्रिंकर में डाल दूंगा। जब ये लोग पानी पी लेंगे, वो पूरी तरीके से पानी पी लेंगे क्योंकि प्यासे हैं तो जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन सारे चूज़े पानी नहीं पियेंगे एक साथ में दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा वो पानी ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ा देर रुकने के बाद, आधा घंटा रुकने के बाद फिर और एक बार जो बची हुई अपनी पाउडर है उसको मैं घोल करके फिर से डालूंगा। तो दोस्तों दो बार डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा चूज़ा पानी पी लेगा। ये वाली ट्रीटमेंट मैं 3 दिन तक करूंगा, अगर 3 दिन में मुझे सही रिज़ल्ट लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसे और 2 दिन बढ़ाऊंगा, 5 दिन
दोस्तों ये वाली प्रोसेस मैं करूँगा, अभी शुरुआती स्टेज है तो मैं ज़्यादा और दूसरा बड़ा वाला कोई हेवी वाला एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ लैक्सिन पाउडर ही यूज़ करूँगा दोस्तों। वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है मुझे लैक्सिन पाउडर से, तो मैं वही वाला यूज़ करूँगा। और दोस्तों जाने से पहले इस बार मैं मतलब लास्ट टाइम भी मैंने किया था तो मेरे को अच्छा रिजल्ट आया था, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा उसमें चिल्ली पाउडर मिला के उसका भी पानी बना के ये लोग को दे दूंगा दोस्तों, तो पूरा दिन चलता रहेगा उससे कोई, वो तो मतलब आयुर्वेदिक ही है उससे कोई नुकसान तो होएगा नहीं चूज़ों को तो, और फ़ायदा होता है कि नहीं होता ये मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे तो अच्छा रिज़ल्ट मिला था जब मैंने लास्ट टाइम एक बार यूज़ किया था, तो मैं ये वो भी वाला वो फार्मूला भी यूज़ करके देखूँगा, तो अगर मेरे को कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आपको भी बता दूँगा दोस्तों 100%। लेकिन फ़िलहाल ये शुरुआती स्टेज है, इसके लिए मैं मामूली सा ले रहा हूँ, इसे ज़्यादा हेवी नहीं ले रहा हूँ। अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी मोर्टेलिटी हो रही है या आपको काफ़ी ज़्यादा चूज़े नरम बैठे हुए लग रहे हैं, एक कोना पकड़ के बैठे हुए लग रहे हैं, तो ट्रीटमेंट उसका अच्छे से करना चाहिए दोस्तों। उन्हें बार बार लैक्सिन पाउडर का पानी या जो भी एंटीबायोटिक आप यूज़ करोगे बार बार देते रहना है, उन्हें पानी पिलाते रहना है। तो इससे क्या होता है, अगर एक बार आपके फार्म से बीमारी हट गई तो हट गई, अगर वो बीमारी रह गई तो ऑटोमेटिकली सारे जो आपके बर्ड्स हैं उनमें बीमारी आ जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके जाएगी। तो जब आप देखोगे शुरुआती स्टेज में ही उस पर दवाई करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों यही वाली वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और आपको अपडेट में, हाँ दोस्तों और एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे ही आप बीमारी को देखोगे आपको पोल्ट्री के अंदर स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं अगर हो सके तो मैं आपको स्प्रे वाली बॉटल वहाँ पे साइड में दिखा दूँगा, जो स्प्रे मैं यूज़ करता हूँ स्प्रे के लिए वो वाली बॉटल मैं यहाँ पर साइड में वीडियो में डाल दूँगा दोस्तों। अगर हो सके तो, या आपके पास जो भी अच्छा वाला स्प्रे है पोल्ट्री के अंदर यूज़ करने वाला जब पोल्ट्री है उसी टाइम पे, तो आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर लेना दोस्तों, लेकिन स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी है जिससे कि बीमारी फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।